आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने ऋषियों के परिचय में के विषय में गौतम ऋषि का विषय लेकर शामिल हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आदि गौड़ ब्राह्मण हूँ और मेरा गोत्र भी गौतम है, अर्थात गौतम ऋषि का वंशज ही हूँ। तो आइए बड़ी श्रद्धा के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सातवें मन्वंतर में शामिल विभिन्न मन्वंतरों में अलग अलग सप्त ऋषि हुए, जिनका उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक आदि ग्रंथों में किया गया है। सातवें मन्वंतर में जिन सात ऋषियों का उल्लेख किया गया है, उनमें महर्षि गौतम भी शामिल हैं। सातवें मन्वंतर में शामिल सप्त ऋषि हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। गौतम ऋषि का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अनेक हुए हैं, उनमें से एक ऋषि अंगिरा और उनकी पत्नी का नाम था सुधा। अंगिरा और उनकी पत्नी सुधा के उतथ्य नाम का एक पुत्र हुआ। उतथ्य का विवाह ममता से हुआ और उतथ्य का ममता से दीर्घतमस नामक पुत्र हुआ। दीर्घतमस व परद्वेशी से महर्षि गौतम का जन्म हुआ। वह महर्षि गौतम के दो पुत्र हुए, शतानंद व चिरकाल। ये भी एक बात है कि कई जगह उल्लेख आता है कि इनके छह पुत्र थे, लेकिन जो अधिक प्रमाण मिलते हैं कि केवल दो ही पुत्र थे, शतानंद व चिरकाल। चरित्र कोश में महर्षि गौतम का नाम शरद्वत गौतम बताया गया है, जो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि ब्रह्मा ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या को शरद्वत गौतम यानी कि महर्षि गौतम के पास ही अमानत के रूप में रखा था। विवाह बाद में हुआ, पहले अमानत के रूप में रखा था। इसकी कहानी जो बताऊंगा, ऐसा उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों व चरित्रकोश में है। यही शरद्वत गौतम महर्षि गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए और आगे चलकर यह शरद्वत या शरद्वान गौतम, मेघातिथि व अक्षपाद के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इन्हीं ऋषि ने न्यायशास्त्र की रचना की। महर्षि गौतम शरद्वत के पुत्र का नाम शतानंद था। वह महातेजस्वी पुत्र जनकपुर के विदेहवंशी राजा जनक के पुरोहित थे। राम विवाह के मुख्य पुरोहित भी थे। कहते हैं कि गुर्जर प्रदेश के राजा गुर्जर कर्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी राजधानी पुष्कर में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उनके पुत्र हुआ। इस यज्ञ के आचार्य महर्षि भारद्वाज गौतम ही थे। इनके 156 शिष्य थे। इन्हीं शिष्यों की संतानें गुजरगौड़ ब्राह्मण समाज के आराध्य देव व ऋषि हैं। इनके पिता दीर्घतमस बृहस्पति जी के श्राप के कारण जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। पुराणों के अनुसार दीर्घतमस जी ने गर्भावस्था में सारे वेदों, वेदांगों तथा शास्त्रों में पूर्णतया अवगत थे। विद्या के बल पर उनका विवाह सुंदर परद्वेशी से हुआ। कहते हैं कि दीर्घतमस ने 100 वर्ष की आयु में केशव की उपासना की, इससे उनको दृष्टि मिली। इसी कारण उन्हें गौतम, गौतम शब्द का अर्थ है उत्तम नेत्र वाला, कहा गया। इसी गौतम के पुत्र गौतम कहलाए। ब्रह्मा की मानस पुत्री अहिल्या, इनकी कथा यहाँ से शुरू आती है, छोटी सी बताऊंगा। अहिल्या की मानस पुत्री अहिल्या ब्रह्मदेव की आद्या स्त्री सृष्टि थी, यानी कि जो स्त्री जाति की एक आद्य रूप, आदि रूप जो बनाए गए में से थी, ये वो थी। 5 सतियों व 5 कन्याओं में इनका प्रथम स्थान है। एक कथा के अनुसार यह मुदगल ऋषि व मेनका की पुत्री थी। इनके सौंदर्य से मोहित होकर इंद्र ने इसे पत्नी रूप में मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने जितेंद्रिय शरद्वात गौतम के पास इन्हें अमानत के रूप में रखा। बाद में तप सिद्धि देखकर भार्या के रूप में दे दी गई गौतम ऋषि को पत्नी बनाने के लिए, यानी कि
ब्रह्मा जी के दामाद भी हैं गौतम ऋषि। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं व राक्षसों से पृथ्वी का चक्कर काटकर प्रथम आने वाले को अहल्या देने का प्रस्ताव रखा गया। तब गौतम शार्दवत ने एक शिवलिंग की परिक्रमा करके सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा गौतम को प्रथम आया जानकर अहिल्या दे दी। विवाह के बाद ऋषि अहिल्या के साथ महर्षि गौतम ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक के पास घर बनाकर रहने पड़े। वैसे इनका आश्रम बाद में बिहार में भी था, मिथिला में था। ऋग्वेद के कुल 10,522 मंत्रों में से 213 मंत्र, यजुर्वेद के कुल 1915 मंत्रों में से 67 मंत्र, सामवेद के कुल 1875 मंत्रों में से 68 मंत्र, अथर्ववेद के कुल 5,970 में 27 मंत्र, अर्थात कुल 315 मंत्रों के मंत्र दृष्टा महर्षि गौतम है, इसलिए इन्हें तपस्वी माना गया है। यहाँ ये भी बता देना आवश्यक है कि महर्षि गौतम का जो गोत्र है गौतम, यह गौतम गोत्र चारों वर्णों में मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो इस वीडियो को महर्षि और हमारे पूर्वज दादा श्री महर्षि गौतम जी को समर्पित करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए इस वीडियो को यहाँ पूर्ण करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।